पंजाब सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके चलते राज्य भर में ऑनलाइन लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते राज्य भर में कई लोगों ने सुख की सांस ली है, क्योंकि इस लॉटरी की वजह से राज्य के कई घर बर्बाद हो चुके हैं और दूसरी तरफ इस लॉटरी के बंद होने की वजह से कई लोगों का रोजगार गया है। इस संबंधी जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह बहुत बढ़िया है, क्योंकि पंजाब में बहुत से घर हैं जो इस लॉटरी की वजह से उजड़ चुके हैं। लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है तो कल भी ये फैसला बना रहे। दूसरी तरफ लॉटरी विक्रेता ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि लॉटरी पर प्रतिबंध लगने से पठानकोट में 1000 के करीब लोग बेरोजगार हो गए हैं और पंजाब भर में इसकी गिनती 1,00,000 से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम रोजगार देना होता है, लेकिन जहां पर सरकार द्वारा लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। लॉटरी विक्रेताओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो बदलाव सरकार करना चाहती है वो करे और ऑनलाइन लॉटरी को फिर से शुरू करे। पठानकोट से कंवल रंधावा की रिपोर्ट। बहुत वधिया डिसीजन है पंजाब गवर्नमेंट का कि जिहड़े ऑनलाइन जी है बंद कर दी है, जी लॉटरी सिस्टम है बहुत ही परिवार पहला भी उजड़े ही कुछ उजड़न के कगार से बैठे से। चलो जेडे आ काम करते ही लॉटरी का उन्होंने रोजगार तो छीनिया गया पर उन्होंने रोजगार तो मिल जाएगा, पर जी अब पंजाब गवर्नमेंट ने एक नंबर की लॉटरी जी ऑनलाइन वो बंद करती है। बहुत वधिया प्रशासनीय प्रयास है और मैं इस जो डिसीजन से पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ भी करना और खास भी करना कि यह जी परमानेंट ही बंद कर दी जाए, ना कि मतलब कि द्वारा अब बंद करने बाद द्वारा शुरू की जाए। बहुत वधिया प्रयास है पंजाब गवर्नमेंट का, वधाई की पात्र है और ये जोड़े साढ़े परिवार जोड़े है जो लॉटरी के घुस चुके हैं, कुछ नशिया के घुसे है, कुछ लॉटरिया घुसे है, ये उन्होंने बचाव होएगा और अपने नवे काम बारे सोचेंगे। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम किशोरी लाल है जी, पठानकोट ऑनलाइन लॉटरी का काम करना। पंजाब सरकार ने जोड़ा है ऑनलाइन लॉटरी से प्रतिबंध लगाया है, बिल्कुल गलत है जी। ऐसे लॉटरी वेचण इन्होंने नाल धक्का है बिल्कुल, क्योंकि 30-40 साल तो जोड़े रुजगार में जुड़े हुए हैं सारे बेरोजगार हो गया। पठानकोट के लगभग 1,000 तो वध बंदा जोड़ा इस रुजगार में जुड़े दा जोड़ा अपना रोजी रोटी चलाता पाया खा रहा। वे सरकार का काम जोड़ा वो रुजगार देना, रुजगार खोना नहीं है। ये जी सरकार है ने ऑनलाइन लॉटरी बंद करके 1,000 बंदा तो है जोड़ा सीधा सीधा जुड़े दा, ये होर भी कई जुड़े ने परिवार है और भी कई मतलब कि परिवारों के नाल जो होर जुड़े हैं। ये सिर्फ पठानकोट का 1,000 बंदे दस रहे हैं तो पूरे पंजाब लगभग 1,00,000 तो वध बंदा जोड़ा इस रुजगार में जुड़िया होएगा जोड़ा कि बिल्कुल बेरोजगार हो गया। अं चाहते हैं कि सरकार को लॉटरी द्वारा चालू करनी चाहिए है, हाँ कोई कमियाँ जी ठीक कर दी जा लॉटरी फिर द्वारा चालू की जाए ताकि अं इन्हों को रुजगार मिल सके, अं काम कर सके अपनी रोटी रोटी चला सके।